लास्ट वाला था ना, मोले नू मोला ना मारे तो मोला नहीं मरता। टन 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 मोला की जब तक माँ ना मारे मोला नहीं मरता। अमेजिंग लाइक वाओ। किसी भी इंडियन मूवी से बहुत आला दर्जे की थी ये जो आजकल चल रही है, बाहुबली वगैरह वगैरह, उनसे बहुत अच्छी मूवी थी। तब पाकिस्तान में भी इस तरह की मूवीज बन रही हैं, वी कांट बिलीव। को तो शायद नॉमिनेट होना चाहिए एमी या ऑस्कर्स के लिए। मोला ही मारेगा। मोले नू मोला नहीं मारे थे मोला नहीं मरता। हमजा अली बासी की और फवाद खान की भी बहुत अच्छी एक्टिंग। बेस्ट पाकिस्तानी मूवी इन द हिस्ट्री। मोले नू मोला ना मारिया ते मोला मरदा नहीं। बेहतरीन जबरदस्त। पाकिस्तान ने आज तक ऐसी मूवी नहीं बनाई है, इससे अच्छी मूवी। स्पेशल स्कोप मूवी थे इंटरनेट। बहुत आरा जबरदस्त, सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की। किलर लुक किसका था सबसे ज्यादा? किलर लुक हमजा अली अब्बासी का, बहुत वीआईपी, बहुत जबरदस्त। लिटरली यार एवरी सिंगल मोमेंट आई एंजॉयड दिस मूवी। आई वाज एक्चुअली आई हैव टू चेक इफ इट्स रियली अ पाकिस्तानी प्रोडक्शन और व्हाट, बिकॉज इट्स फ्लॉलेस यार, इट्स अमेजिंग। पैसा वसूल? पैसा वसूल? पैसा वसूल भी नहीं सकता, इट्स अमेजिंग यार, अमेजिंग। आउट क्लास फैबुलस। इसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी? हमजा अली अब्बासी। फवाद खान ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, लेकिन जो हमजा अली अब्बासी का जो वो एरोगेंस दिखाया है ना, वो आउट क्लास है। और इस चीज़ से यह हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम गेम ऑफ थ्रोन्स के जैसे अपने सीरीज और ऐसे शोज बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, मज़ा आ गया। बाकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी लगी, मुतासिर किसकी अदाकारी ने? एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे ख़ासतौर पर गौहर रशीद की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। हाँ, वरना सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। बाकी मौलिया को किसने मार दिया? मौला ही मार सकता है खाली। बाकी मायरा खान और उमैमा मलिक, वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग थी, उनका जो पंजाबी एक्सेंट था वो बहुत अच्छा उन्होंने किया था, तो एवरीबॉडी एक्टेड रियली वेल। अक्सर पाकिस्तानी मूवीज़ के बारे में लोग कहते हैं कि ये कॉपी है हॉलीवुड की या बॉलीवुड की, इसमें कोई ऐसा टच नज़र आया? देखिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप इसको आराम से हॉलीवुड से कंपेयर कर सकते हैं, और इसकी कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह से एक ट्रेडिशनल पंजाबी मूवी को उन्होंने मॉडर्नाइज करके हॉलीवुड लेवल पे बनाया है, इट्स अमेजिंग। देयर इज नथिंग लाइक, आई थिंक द बेस्ट पाकिस्तानी मूवी इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। पार्ट टू आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए, इसका पूरा सीक्वल बनना चाहिए। इट वाज रियली अमेजिंग मूवी। पैसा वसूल हो गया? पैसे बिल्कुल वसूल है एंड हाईली रिकमेंडेड। यार हॉलीवुड लेवल थी, जो बात है मैं खुद हॉलीवुड देखता हूँ, तो उस हिसाब से मैं इसको हॉलीवुड के लेवल से ही रेट करूँगा। दूसरा चीज़, इसमें गाने नहीं थे, जो कि अच्छी चीज़ लगी मुझे, क्योंकि मोस्टली होता है पाकिस्तानी और इंडियन मूवीज़ में गाने। फाइट अच्छी थी, फाइट सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे, टॉप नॉच थे। आई वुड से कि इसको तो शायद नॉमिनेट होना चाहिए एमी या ऑस्कर्स के लिए। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, वेरी वेरी नाइस, नेक्स्ट लेवल मूवी, नेक्स्ट लेवल। मतलब पाकिस्तान में भी इस तरह की मूवीज बन रही हैं, वी कांट बिलीव। एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी किसके लिए? फवाद की, हमजा अली अब्बासी की, बहुत नेक्स्ट लेवल। माहिरा अमेजिंग, उमैमा का डिफरेंट था, उमैमा का लुक बहुत। बाकी मोले को किसने मार दिया? मोला ही मारेगा। बाकी इसका सीजन 2 आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, जी बिल्कुल आना चाहिए, सीजन 2 आना चाहिए। बहुत अच्छी मूवी थी, हमजा अली अब्बासी की और फवाद खान की भी बहुत अच्छी एक्टिंग। स्टोरी ज़बरदस्त लगी, कहीं बोरिंग तो नहीं थी? नहीं, बहुत अच्छी स्टोरी थी। सीजन 2 आना चाहिए? आना चाहिए, अगर तो इतनी अच्छी एक्टिंग होगी तो फिर आना चाहिए। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स? 4.5। एक्टिंग फवाद की बहुत ज़बरदस्त, और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की याद दिला दी हमजा अली अब्बासी ने, तो बहुत अच्छा था, वेरी नाइस, 5। मूवी तकरीबन बहुत ही अच्छी थी, और ये 2012 में वार के बाद ना अब आया कोई जो पैसा वसूल। वाकई में डायलॉग वायलॉग मारो कोई एक्शन यार, डायलॉग्स थे कोई, अब वो पंजाबी आती नहीं, लेकिन भाई बस समझ में आ गई, बस ऐसा था। हाँ, कॉम्पोजिशन बड़ी अच्छी थी, फ्रेमिंग भी बड़ी अच्छी थी, नो डाउट एंड लेवल था। इट वॉज अमेजिंग, लाइक वाओ, बहुत अच्छी मूवी थी, सबकी अच्छी थी। हमजा अली अब्बासी और फवाद खान वाज लेजेंड, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। सीजन 2 आना चाहिए मेरे ख्याल से, आना चाहिए। आउट ऑफ 5 कितने पॉइंट? 10 out of 10 ऑब्वियसली, नॉट आउट ऑफ 5, डिजर्व 10। बहुत अच्छी मूवी, सबसे ज्यादा हमजा अली अब्बासी की। फाइट आपने देखा, एंजॉय किया? बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छी। जी अंकल, मोला की फाइट कैसी लगी? बेहतरीन मूवी है यार, पैसा वसूल, यकीन करो पैसा, बिल्कुल मजा आ गया, फुल मुकाबला देख। जितने पठानों ने पंजाबी फिल्म बनाई है ना, पंजाबियों को चाहिए पश्तो फिल्म बनाए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जो लास्ट वाला था ना, मोले नू मोला ना मारे थे मोला नहीं मरता, बहुत अच्छी।
पैसा वसूल सबकी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हमजा अली अब्बासी, यस इट वाज गुड मूवी। टन टन टन, मौला की जब तक मान हमारे मौला नहीं मरता, बहुत बेहतरीन रहा। लेकिन मौला जट ने काफ़ी देर में काम दिखाया, बहुत आखिर में है। दोनों बहुत जच रहे थे, लेकिन विलन जो है ना उसकी अदाकारी ज़्यादा क्लास की थी, और आखिर तक बदनी भी वही लगा। मर तो गया लेकिन बदनी वही लगा। उसकी अदाकारी अच्छी, सबकी एक्टिंग अच्छी थी, उसमें हमजा अली बासी की भी, फवाद खान की भी, एंड इट वाज अ गुड मूवी टू वॉच। फाइट लास्ट मुझे पता था कि उसी जंगल दंगल में ही फ़ाइट होनी है, उसको ड्रैग कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है वो सेट बना इसलिए था कि वहाँ पे फाइनल फ़ाइट हो, उसके बगैर तो मज़ा आना ही नहीं था। आई थिंक 4.5, बहुत अच्छी लगी। इसकी एक्टिंग अच्छी थी, सबसे अच्छी फवाद खान की। सीज़न 2 आना चाहिए जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो 6 दूंगा। मौले को किसी ने नहीं मारा भाई, मौले ने मारा है नूरी नत को। मूवी बहुत ज़बरदस्त थी, नो डाउट, और किसी भी इंडियन मूवी से बहुत आला दर्जे की थी। जो आजकल चल रही है बाहुबली वगैरह वगैरह, उनसे बहुत अच्छी मूवी थी, हाई लेवल की, नो डाउट। ये बहुत ऐसी मूवीज़ और बननी चाहिए, सीज़न 2 भी आना चाहिए। लग रहा है कि आएगा, जिस तरह अख्ताम हुआ है। फीमेल कैरेक्टर जो थी मायरा खान उमेमा, उसकी अदाकारी, उनकी भी बहुत बेहतरीन अदाकारी थी। दारू की भी बहुत अच्छी अदाकारी थी, नो डाउट। सबकी अच्छी थी, बहुत अच्छे किरदार थे सारे, नो डाउट। पैसा वसूल फिल्म 1 से 2 बार देखने की मूवी है, बिल्कुल बिल्कुल। चला बहुत अच्छी थी, प्रोडक्शन वैल्यू बड़ी अच्छी थी, और एक सिनेमा वाली मूवी थी जिसमें देख के लगा कि सिनेमैटिक पिक्चराइजेशन बड़ी अच्छी थी। पाकिस्तानी टच था फुल, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बॉलीवुड या हॉलीवुड का टच है? नहीं, ये जो पाकिस्तान की जब मौला जट पहले भी आई थी तो पाकिस्तान ओरिजिनल थी, और इसमें भी ओरिजिनल टच बरकरार रखा, और जो यानी जो ग्राफिक्स थे जो इसका उसका बड़ा अच्छा यूटिलाइजेशन किया गया। एक्टिंग सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी? एक्टिंग सबसे अच्छी मेरे ख्याल में नूरी नत एज हमजा अली बासी की सबसे अच्छी थी, क्योंकि कम स्क्रीन टाइम कम था और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। मायरा खान उमेमा मलिक में किसके करेक्टर ने आपको मुतासर किया? मायरा खान का थोड़ा पंजाबी एक्सेंट ऑफ था, और उमेमा मलिक का स्क्रीन टाइम वही कहूँगा, स्क्रीन टाइम कम था लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। पार्ट 2 आना चाहिए जी, ज़रूर आना चाहिए, लेकिन स्टोरी अच्छी हो, ये ना हो कि बस नाम के बेस पे कर। आज की स्टोरी ने अच्छी लगी आपको मुतासर? जी जी बहुत अच्छी लगी। आउट ऑफ 5 कितने पॉइंट? 4.5। तो ग्राफिक्स थे बिल्कुल रियलिस्टिक से थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ एड फेक वगैरह। जब भी पाकिस्तानी मूवीज़ देखी है उनके ग्राफिक्स बहुत लो होते थे, लेकिन इसके जो ग्राफिक्स थे जो भी था सब कुछ बहुत आता था, और जो पंजाबी थी वो प्योरली पाकिस्तानी पंजाबी थी, इस चीज़ की बहुत खुशी हुई। और हुमायमा मलिक की पंजाबी इसमें सबसे ज़्यादा, उन्होंने जो उनका एक्सेंट था सबसे ज़्यादा उसने मुतासर किया। और हमजा अली बासी की आई हैव टू से आई थिंक वॉज द मोस्ट ग्रेट एक्टिंग, उनके जो एक्सप्रेशन थे सब कुछ बहुत अच्छा था, एक प्योर विलन की वाइब आ रही थी उसमें से। और डायलॉग्स फारिश शफी की डायलॉग डिलीवरी, जो कॉमेडी वगैरह सब कुछ एक साथ चल के, तो प्योरली इट वाज अ ब्लॉकबस्टर, एंड इट वाज अ सिनेमा फिल्म। इट इज़ नॉट फॉर योर टीवी एंड स्क्रीन, इट इज़ प्योरली अ सिनेमा फिल्म। ये बहुत अच्छा लगा, आई हैव टू से दिस इज़ द बेस्ट पाकिस्तानी मूवी आई हैव सीन फॉर फैन। सबको रिकमेंड करूँगा, ज़रूर आएँ मूवीज़ सिनेमा में देखें, क्योंकि टीवी में इसके जो ये प्योरली पाकिस्तानी फिल्म है, एक सिनेमा फिल्म है, एक टीवी फिल्म नहीं है ये, क्योंकि जो इसके ग्राफिक, इसके जो साउंड इफेक्ट, डायलॉग वगैरह, जो एक बड़ी स्क्रीन की फिल्म है ये। आउट ऑफ 5 कितने पॉइंट? 4.7। मूवी सबसे पहले एक तो बजट, जो यूजुअली हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ का होता है बजट, उससे ऊपर था, एंड वो हमें नज़र आया, वो हमें फ्रेम्स में नज़र आया, हमें VFX में नज़र आया, हमें कास्ट में नज़र आया। एक छोटे से छोटे रोल के लिए उन्होंने बिल्कुल जैसे कहते हैं परफेक्ट राइट फिट एक्टर चूज़ किया है, और हमें वो एक्टिंग में नज़र आया, एंड कहानी तो स्ट्रॉन्ग थी ही। बाकी एक्टिंग में किसकी अदाकारी ने मुतासर किया? मैं ऑलरेडी जिसे कहते हैं हमजा अली अब्बासी और फवाद खान का फ़ैन था, लेकिन ये इनकी एक्टिंग देख के मैं और बड़ा फ़ैन हो गया। बाकी मायरा खान और उमेमा मलिक के कैरेक्टर कैसे लगे? दोनों के कैरेक्टर्स जो है अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे थे, एंड दोनों ने जस्टिस किया। आउट ऑफ 5 कितने पॉइंट? आउट ऑफ 5 मैं जिसे कहते हैं इसको 5 दूंगा। रिकमेंड करेंगे बाकी लोग? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ आइए और मूवी देखिए, ये इंशाल्लाह यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड।